हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मैविश और आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था। इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। प्याज ले लिया था मैंने 4 पीस, इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। मसालों में हम लेंगे लाल मिर्च, जीरा पाउडर, 2 तेज पत्ता, नमक और गरम मसाला, और ये कुछ खड़े मसाले। इसे मैं साइड कर देती हूँ। और हम लेंगे 3 लाल मिर्च, इसे मैंने काट लिया है। शिमला मिर्च, इसे भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। टमाटर ले लिया है मैंने, इसे भी मैंने अच्छे से काट लिया है। 1/2 लेमन लेंगे और ये मसाले। अब हमने जो प्याज कट करके रखा है इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल मैंने पहले ही से गर्म करके चढ़ा दिया है, इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसे निकाल लूंगी। ये सारे प्याज मैं निकाल लूंगी। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने चिकन रखा था ये सारे चिकन मैं इसमें डाल दूंगी। अब ये जो हमने मसाला रखा था ये सारे मसाले डाल दूंगी मैं इसमें। हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट रखा था वो भी डाल देते हैं। मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया। अब हमने ये जो प्याज फ्राई करके रखा था 1/2 मैं इसमें डाल देती हूँ, अच्छे से क्रश करके डाल दिया मैंने। अब हम इसे अच्छे से हाथों की मदद से मिला लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया है। अब हमने जिस कढ़ाई में प्याज फ्राई किया था अब उसी में इसे चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड, जब तक हमारा चिकन बन रहा है हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए मैंने एक डेगची रख दी है और 1 किलो मैंने बासमती राइस लिया है। ये दावत का बासमती राइस है। इसे मैंने 1 घंटे पानी में सोख कर लिया था तो ये अच्छे तरीके से फूल गया है। एक डेगची में तेल डाल दिया। अब इसमें हम कुछ गर्म मसाले डाल देंगे, खड़े, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसमें पानी डाल देते हैं। अब हम ये सारे चावल इसमें डाल देते हैं। और 1 से 2 उबाल आने देंगे। इन चावलों को हमें ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इसे हम दम पे रखेंगे, इतने से ज्यादा नहीं पकाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे चावल डाल दिया मैंने अच्छे से। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे चावल अभी पक गए हैं, तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ एक बार। ये अभी थोड़े से और पकने बाकी हैं। इस साइड हमने चिकन चढ़ाया वो भी चेक कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारा चिकन देखने में बहुत टेस्टी लगता है। आई होप खाने में भी अच्छे हों। मैं इसे एक इस चेक कर लूंगी, फॉर्क की मदद से चेक कर लूंगी इसे। आई थिंक ये हो ही चला है, थोड़ा सा और पकाऊंगी इसे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे चावल अच्छे तरीके से पक गए हैं और इसका जो भी पानी था वो मैंने निकाल लिया है। हमारे चिकन भी पककर तैयार है। अब हम लेयर लगा लेते हैं। तो
तो लेयर लगाने के लिए मैंने एक यहाँ पे टिक्षी दे दी है। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो चावल हमने बनाए हैं इसे अच्छे से निकालूंगी और इसमें डालूंगी, अच्छे से फैला लेंगे। आप चावलों की जितनी लेयर चाहे उतनी लगा सकते हैं, दो तीन फैला लिए मैंने। अब मैं ये जो हमने अपने चिकन बनाए हैं ये डालूंगी ऊपर से, चिकन के पीसेस। अब मैं इसमें फूड कलर डालूंगी, ये मैंने रेड कलर का फूड कलर लिए हैं, ये डाल दूंगी। इसे मैंने पानी में डाल के रखा था, ये केसर है इसे भी मैंने पानी में डाला था। और फिर ये हमने जो प्याज फ्राई किया था जो थोड़ा सा बच गया था ये डाल दूंगी मैं। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप वो भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। एक मिर्चा डाल देती हूँ। फिर से हम लेयर लगा लेंगे क्या, और फिर से मैं ये चिकन डाल दूंगी इसमें। डाल देती हूँ फैला लेंगे इसे अच्छे से। ऊपर से ये येलो कलर का फूड कलर मैंने डाला, इसमें दो कलर के फूड कलर डाले, आपके पास जो अवेलेबल हो ग्रीन ऑरेंज आप वो डाल सकते हैं। ये केसर डाल दूंगी मैं इसमें। और लास्ट में ये प्याज जो डाला बचा हुआ था वो डाल दूंगी, पूरे प्याज डाल दूंगी मैं इसमें, मिर्चा डाल दूंगी। अब हम इसे दम पे रख देंगे आधे पौन मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारा बिरयानी कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। मैं इसे चला लेती हूँ ऊपर, ये देखिए हमारा बिरयानी इतने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो अपने एक्सपीरियंस में इसे शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।